हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही हो तो यस लिखें। कौस्तुभ जी, काइंडली राइट यस इफ यू लिसन मी। ओके ओके, थैंक यू। सूर्य जी, पवन जी, ओके, स्वाति जी, एनी प्रॉब्लम ऑफ वॉइस? ओके, अमित गुप्ता जी, ओके। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। आर वेट समवन, कुछ लोगों का इंतजार कर लिया जाए कि स्टार्ट करें आप? काइंडली राइट यस आर नो। ओके ओके ओके, शुरू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? संविदा क्या है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखेंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बिफोर ब्रिटिश पीरियड देयर वाज ए सम स्पेसिफिक नॉर्म्स फॉर स्पेसिफाइंग द ह्यूमन बिहेवियर। ब्रिटिश काल से पहले हमारे यहाँ कुछ नॉर्म्स हुआ करते थे जो किसी भी व्यक्ति व्यक्तिगत संबंधों को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन समय बीते बीते जब ब्रिटिश काल आया तो ये देखा गया कि कुछ मॉडर्नाइजेशन के कारण, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कुछ कैपिटलिस्ट अप्रोच के कारण ये आवश्यकता महसूस की गई कि जो व्यक्तिगत संबंध हैं, अगर किसी व्यक्तिगत संबंध के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ किया जाता है किसी दो व्यक्तियों के बीच में, उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड और कोडिफाइड लॉ की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए भारत में अंग्रेजों द्वारा 1872 में एक कोडिफाइड लॉ लाया गया, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कोडिफाइड लॉ है और क्या करता है, रिलेशन को स्पेसिफाई करता है। यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से रिलेशन को स्पेसिफाई करता है कि अगर हम दोनों के बीच में, किसी इंडिविजुअल के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई संव्यवहार होता है, तो उसके लिए क्या, कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कोई भी भविष्य में डिस्प्यूट से बचा जा सके। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कोडिफाइड लॉ लाया गया था। उसी के अंतर्गत इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडक्ट, व्यक्तियों के स्पेसिफिक कंडक्ट को स्पेसिफाई करते हुए इसे कोडिफाई कर दिया गया कि ये चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई संविदा कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, कैसे है, तो वो सारे नॉर्म्स इस कोड द्वारा बना दिए गए, जिसके द्वारा ये स्पेसिफाई किया गया कि ये नॉर्म्स रहेंगे, ये कंडक्ट रहेंगे, ये
ये स्पेसिफिक रहेंगे तो इसे हम संविदा की श्रेणी में रखेंगे। संविदा को कई पार्टों में, कई भागों में बांट के देखा जा सकता है। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इनिशियली ये 1857 में 1 सितंबर 1872 में इसकी एनफोर्समेंट हुआ, जिसमें टोटल 266 सेक्शन थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत। जब ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में था तो 266 सेक्शन थे, लेकिन इन 1930 यानी 1930 में 76-123 जो सेक्शन था उसको सेपरेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी उस कोडिफाइड लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट के कोडिफाइड लॉ में से 76 सेक्शन 76 से 123 को निकाल करके, और 1930 में आप लोग कृपया एक पेज ले लें, अगर आपके पास हो तो लिए ही होंगे, एक पेज ले लें। अच्छा ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि आवाज सही जाए। एक पेज ले लीजिए और उसमें लिखते रहिए कुछ, क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पे होता है तो चीजें मैं लिखता हूँ तो उससे क्लियर हो जाता है, जब आप पेज पे लिखते जाएंगे तो वो मतलब सीक्वेंस से आता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, तो 1930 में सेल ऑफ गुड्स लाया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। कहा गया कि ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है जो थिंग्स के यानी गुड्स से, ट्रांजेक्शन से संबंधित है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट के समव्यवहार से अलग किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की परिधि लॉ से इसको अलग किया जाए। देन आफ्टर सम टाइम 2 साल बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 239 से 266 को सेपरेट कर दिया गया और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया। यानी दो एक्ट बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दो सब एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हमें हमें हमारे व्यवहार को, हमारे ट्रांजेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए लाया गया था। आवाज की क्वालिटी नॉट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? राइटेस, राइटेस आवाज आ रही है? हम सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी एक्ट लॉ में आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज स्पेसिफाई हो जाना चाहिए। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो उस लॉ के आने का ऑब्जेक्ट क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कमिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का आने का उद्देश्य क्या था। उस ऑब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो हमारा आधा से ऊपर कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियरी, तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है फैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट को हम फैक्चुअल दृष्टिकोण से पढ़ेंगे क्योंकि हम पीसीएसजे की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें फैक्चुअल इन द सेंस कि हमें सेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, हमें केस लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सेक्शन कहाँ है, किस सेक्शन में क्या कहा गया है, ये सारी चीजें, किसमें इंटरप्रिटेशन किया गया है, प्रपोजल की डिफिनेशन किसमें दी गई है, इन सारी चीजों की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कोई भी, अगर मान लीजिए मेंस के पर्पज से जाते हैं तो फैक्चुअल से थोड़ा सा वाइड करेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे कि इलस्ट्रेटिव, यानी हम उदाहरण के तौर पर हम किसी भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एक्चुअली अगर हम कहें तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स है,
शब्दों की व्याख्या पर आधारित लॉ है, जिसमें हम देखेंगे कि हर शब्द की अलग अलग व्याख्या हुई है और उस शब्द का अलग अलग उद्देश्य रहा है जिसके कारण उसको इस लॉ को इस्टेब्लिश किया गया है। तो उस फैक्चुअल वर्ड को हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है। इलस्ट्रेटिव पर्पज से यह है कि अगर हमें एक्सप्लेन करना हुआ मेंस में अगर हम लिख रहे हैं तो ठीक है, हम सेक्शन तैयार कर लिए, उसको लिख लिए, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना हो हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब कैसे हम उसको समझाएंगे एग्जामिनर को, तो एक दो इलस्ट्रेशन उस सेक्शन के सामने दे देते हैं और बता देते हैं कि ये सेक्शन जो है इस सेक्शन के व्याख्या में ये इलस्ट्रेशन ठीक है, अपने हिसाब से या इलस्ट्रेशन जो दिए रहते हैं। तीसरा होता है कंसेप्चुअल, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट इन द सेंस प्रपोजल क्या है, कंसीडरेशन क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन क्या है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वन एक सेक्शन टू से लेके 75 तक रिलेवेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए उपयोगी होगा। तो हम पहले इंटरप्रिटेशन क्लास से शुरू करते हैं कि सेक्शन टू के अंतर्गत क्या क्या चीजें दी गई हैं। आप लोग अपना बेयर एक्ट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसमें पहले पूरे हम एक समरी आपको बता दें पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्या क्या समरी है, कहाँ कहाँ किस चीज को संबंधों को डिफाइन किया गया। चैप्टर वन देख लीजिए, चैप्टर वन में आपको दिया गया है मोड ऑफ प्रपोजल, एक जगह नोट करते जाइएगा, चैप्टर वन किस लिए है, मोड ऑफ प्रपोजल, यानी किस मोड में प्रपोजल किया जाएगा, ठीक है। अब उस मोड में कम्युनिकेशन आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, रिवोकेशन आएगा, तो तीनों को एरो बना के आप लोग मोड ऑफ प्रपोजल के सामने तीन एरो बनाइए, पहला कम्युनिकेशन, दूसरा एक्सेप्टेंस और नीचे वाले में रिवोकेशन, यानी ये तीन मोड हैं किसके लिए, प्रपोजल के लिए, ठीक है। यही मोड आपको एक्सेप्टेंस में भी काम आएंगे और यही मोड रिवोकेशन में भी काम आएंगे, ठीक। तो ये हो गया पहला चैप्टर, केवल किस पर डिपेंड है, मोड ऑफ प्रपोजल पे, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, चैप्टर टू एंड थ्री जिसका सेक्शन है सेक्शन 10 से 30 तक सेकेंड चैप्टर है और सेक्शन 31 से 36 तक थर्ड चैप्टर है। तो सेक्शन चैप्टर सेकेंड में यानी सेक्शन 10 से 30 तक काइंड ऑफ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके लिए इसमें व्याख्या की गई है सेक्शन 10 से 30 तक चैप्टर 1 में। दूसरे में कहा गया है सेक्शन 31 से 36 तक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन पार्ट चैप्टर 3 में कहा गया है, तो इट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला हो गया, पहला सेकेंड चैप्टर में सेक्शन 10 से 30 और थर्ड चैप्टर में 31 से उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ठीक है पहला हो गया मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा हो गया कि काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किन किन प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, अब आ जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो इनका हम परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हम दो लोग मिलकर काम कर लिए, जैसे मान लीजिए आदित्य जी हैं, आदित्य जी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसका मोड भी हम जानते हैं कि इस मोड के अंतर्गत हमने ये कॉन्टेक्ट किया है, ऐसे किया, कम्युनिकेशन किया है, एक्सेप्ट किया है, ये सारी प्रक्रिया फॉलो करते हुए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट के न तो वायडेबल में आता है न वायड में आता है, जिन्युइन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके अंतर्गत जब हम आएंगे कि हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब उसका परफॉर्मेंस हम कैसे करेंगे, इसके लिए चैप्टर 4 में आपके बेयर एक्ट में देखिए, चैप्टर 4 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है,
इसके अंतर्गत चैप्टर 4 में सेक्शन 37 टू 67 तक देखिए, आपको बताएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाएगा, यानी कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ये चीजें बताई गई हैं सेक्शन 37 से 67 तक। ठीक, उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, जब परफॉर्मेंस भी हो गया, सब चीज हो गया, तो अब आगे बढ़ेंगे तो एक चैप्टर और आता है जिसमें कहता है कि कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी हम चैप्टर सेकंड थर्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो ये कह रहा नहीं, इससे अधिक भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको इन्होंने चैप्टर 5 में इंक्लूड किया है। चैप्टर 5 में कहता है कि सर्टेन रिलेशन, यानी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, संबंधों पर बेस्ड होते हैं, सर्टेन रिलेशन कुछ संबंध रिजेंबलिंग दोज क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ संबंध क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे हमारे एक्ट होते हैं जो स्वयं में ही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाने जाते हैं, यानी हम जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं उसके अलावा हम चैप्टर 5 में देखेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जैसे फाइंडर ऑफ गुड हो गया, ठीक है, उसके बिना किसी बताए वो बाइक कंडक्ट होता है, उसके बाद नेसेसिटी हो गया, ठीक है, नेसेसिटी 68 से हो गया, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि बाइक कंडक्ट हम परफॉर्म करके ये एक्सेप्ट कर देते हैं कि इस कंडक्ट के द्वारा हमारे रिलेशन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत ये कुछ अलग प्रकार के, यानी जो ऊपर प्रकार पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, उससे सर्टेन रिलेशन के आधारित जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डिफरेंट हैं। अब हम आएंगे चैप्टर 6 पे, 5 चैप्टर हो गया, अब 6 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका सर्टेन रिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टेन अदर रिलेशन पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो गया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, यानी तोड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चैप्टर 6 में बताया गया है, जिसमें सेक्शन 73 से 75 तक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर परफॉर्मेंस नहीं करता है, उसका ब्रीच करता है, तो उसको क्या क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्या क्या उसको मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सारी चीजें जो है कॉन्सिक्वेंसेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दी गई। उसके बाद आप गुड को निकाल दिया है, चैप्टर 8 जो है इंडेमनिटी एंड गारंटी से संबंधित है, उसमें कैसे इंडेमनिटी दी जाती है, अगर कोई तीसरा कैसे व्यक्ति का गारंटी देता है, ये उसमें डिफाइन किया गया। चैप्टर 9 जो एलिमेंट से संबंधित है, अगर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास रख के कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और आते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये वस्तु हमने आपको इस उद्देश्य के लिए दिया था, हमें वापस कर दीजिए, तो दिस आर द एलिमेंट, इसमें सेक्शन 148 से 181 तक आता है। फिर एजेंसी चैप्टर 10 में एजेंसी आती है जो 182 से 238 तक है। ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एक आप बना लीजिएगा, जब भी तैयारी करिएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज एजेंसी, ठीक है, आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया 1 से 76 तक पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज एजेंसी, अगर आप इस चैप्टर को एजेंसी वाले चैप्टर 10 को पढ़े रहेंगे तो कम से कम आपके दिमाग में ये रहेगा कि कम से कम सेक्शन 182 से 238 के बीच में एजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो कुछ कंसेप्ट उस टाइम आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा। तो एक सिनॉप्सिस है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सिनॉप्सिस है जो आप अपने स्तर पे तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं सेक्शन 2 पे। आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अब एक दो लोग कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा प्रयास करिए, हम तो अपने तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि आवाज सही जाए आप लोगों को, अपना नेटवर्क
एक बार चेक कर लें, ठीक है, आवाज हो यस लिख के भेजें। ओके, ठीक है। हम अब आते हैं इंटरप्रिटेशन, जिसमें ये व्याख्या की है कि हर शब्दों की व्याख्या की गई है, कि किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसके कुछ चुनिंदा शब्द को की व्याख्या जानना जरूरी होता है, उसको समझने के लिए। तो पहले हम इसमें शुरू करेंगे, सेक्शन लिख लीजिए एक जगह, लिखते जाइए इसको, कि सेक्शन टू इज इंटरप्रिटेशन सेक्शन। इसमें, इस सेक्शन में शब्दों की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत सेक्शन 2A, अब सेक्शन 2A के आगे एक एरो बनाइए, उसके एक चार पांच एरो अगल बगल बना लीजिए, इधर बना लीजिए, देख लीजिए आप लोग, ये दिस इज ए फॉर्म टू राइट राइट दिस। एक्चुअली क्या है कि हम कभी भी लॉ को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, शब्दों की व्याख्या और सेक्शन को तोड़ना। अगर जिस दिन आप सेक्शन को तोड़ के पढ़ना सीख गए, किसी भी सेक्शन को, किसी भी एक्ट के, तो आपको लॉ के कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उसका कंसेप्ट समझ लेंगे। लेकिन ये आवश्यक है कि उस सेक्शन को तोड़ के पढ़ना आपको आ जाए। तो जैसा हमने दिखाया, एक बार पुनः आप देख लीजिए कि ये है, ये सेक्शन का एक फॉर्मेट बना लीजिए और तोड़ के इसको बनाइएगा। जब मैं बोलता जाऊंगा इसी फॉर्म में, तो आपको तो सेक्शन एकदम से क्लियर हो जाएगा। पहला है, पहला सेक्शन है 2A, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी अगर हम किसी व्यक्ति से सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आदर्श जी से कहे कि हमें कांटेक्ट करना है, तो अब आदर्श जी कहेंगे किस चीज का कांटेक्ट करना है, यानी कांटेक्ट हम करने जा रहे हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक प्रपोजल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रपोजल की आवश्यकता पड़ेगी, कि हम एक प्रपोजल बना के और आदर्श जी के सामने रखें कि ये प्रपोजल है जिसके अंतर्गत हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, ट्रैक्टर एक पुराना जो है कौस्तुभ जी के पास है, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमारा प्रपोजल है कि मैं चाहता हूं कि उनका ट्रैक्टर खरीद लूं। उसके लिए हम उनके पास जाते हैं कि आपका जो ट्रैक्टर है, आप ऐसा करिए कि हमको 25,000 ले लीजिए और अपना ट्रैक्टर दे दीजिए। हमने क्या किया, हमने एक अमाउंट के साथ, कंसिडरेशन के साथ एक प्रपोजल रखा। क्या रखा, प्रपोजल, किसके सामने, कौस्तुभ जी के सामने रखा कि ये हमारा प्रपोजल है कि आप 25,000 में हमें एक ट्रैक्टर दे देंगे। अब देखिए, हमने तो अपना काम कर दिया, क्या काम किया, प्रपोजल देने का काम किया है, लेकिन अभी उनके तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई है, यानी उन्होंने अभी हमारे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती हमारे इस प्रपोजल के परिप्रेक्ष्य में, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रपोजल की आवश्यकता होती है, जो सेक्शन 2A में दिया गया है। अब देखिए, सेक्शन 2A की डेफिनेशन देखिएगा, अपने बेयर एक्ट में देखते रहिएगा कैसे कहता है, व्हेन वन पर्सन, यानी मैं, वेन वन पर्सन मैं सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कौस्तुभ जी, ठीक है, हम अपने क्या करते हैं, सिग्निफाइज कर रहे हैं दूसरे अनदर पर्सन के लिए, यानी कौस्तुभ जी के लिए, हिज विलिंगनेस, यानी हमारी विलिंगनेस है कि मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूं, मैं अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहा हूं किसके पास, कौस्तुभ जी के पास, कि मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है। यानी व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, यानी दूसरे व्यक्ति सिग्निफाई करता है, विलिंगनेस, इच्छा, विलिंगनेस करता है, टू
आप दो क्लाज है, एक तो कर लिए पॉजिटिव और एक कहता है निगेटिव। क्या कहता है? टू अबस्ट्रेंग फॉर डूइंग एनीथिंग, ठीक है। यानी दूसरा कहता है, पहला कहता है कि एक तो आप हम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम क्लॉज लगा दे कि ये ट्रैक्टर आप किसी को न बेचिएगा, आप हमसे 10,000 रुपया ले लीजिए, आप ये ट्रैक्टर किसी को न बेचिएगा, तो वो क्या हो गया? अबस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी एक तो हम करने के लिए टू डू, और दूसरा है अबस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, यानी हम चाहते हैं कि वो ट्रैक्टर किसी को न बेचा जाए, निगेटिव अप्रोच के साथ हम प्रपोजल रख रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों चीजें हैं, विद ए व्यू टू ऑब्टेन असेंट, यानी ये दोनों चीजों के लिए, करने और न करने के लिए हम क्या करते हैं, किस व्यू से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, कि हम कॉस्ट के असेंट को प्राप्त कर सकें। यानी हमने जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रपोजल दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में वो अपनी सहमति दे दें कि मैं 25,000 में वो ट्रैक्टर बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है। उस कंडीशन में अगर वो सहमति दे देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, एक प्रपोजल हो जाएगा। अगर वो सहमति देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाएगा, देन इट मे बी ए प्रॉमिस, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। और प्रॉमिस के बाद वो अगर लॉफुल रहेगा तो किसमें हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये प्रपोजल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, कोई, व्हेन वन पर्सन, ठीक है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि तुम ये काम करो, मैं ऐसा चाहता हूं या मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, के लिए वो तो राजी करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए प्रपोजल देता है। किस लिए और प्रयास क्या करता है, कि उसका उद्देश्य रहता है कि ये हमको सहमति दे दें, हमको सहमति दे दें जिससे कि मैं जो प्रपोजल दिया हूं वो कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो सके, ठीक। और इसी तरह के जो हम बना के सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, किसी कार्य को करने और न करने के लिए जो प्रस्ताव रखते हैं, जो प्रपोजल बनाते हैं, इट इज सैड टू मेक ए प्रपोजल टू अनदर पर्सन, ठीक है। यानी हमारे द्वारा जो ट्रैक्टर खरीदने का प्रस्तावना है जो दिया गया, वो क्या है, एक प्रपोजल है। अभी उस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पे आगे कब कार्रवाई होगी, जब उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जिस समय कौस्तुभ जी उसको एक्सेप्ट करके कहेंगे नहीं मैं ट्रैक्टर अपना बेचूंगा, उसी समय मान लिया जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस में परिवर्तित हो गया और ये दोनों पार्टी बाउंड हो गई, प्रॉमिस हो गया। यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी, जब प्रॉमिस हो जाएगा तो ईच पार्टी विल बी बाउंड टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए बाउंड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे। इसमें कहीं भी अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो इट मे बी कॉन्टेक्टेड, बिकॉज हेयर आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई एम नॉट लिसनिंग व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, आई विल कमिंग ऑन सेक्शन 2B, जिसमें प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई, यानी प्रपोजल की डेफिनेशन किस में दी गई है, 2A में दी गई है। प्रॉमिस की डेफिनेशन किस में दी गई है, 2B में दी गई है। अब प्रॉमिस क्या है, प्रपोजल तो हमने कर दिया, अब प्रॉमिस किसको कहेंगे। प्रॉमिस के लिए आप अपना बेयर एक्ट देखिए, और जिस तरह से बनाने के लिए प्रोफार्मा कहा हूं, अगर बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में भी, भविष्य में भी आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे जितना हो अपना, आपको समझने में एकदम आसान हो जाएगा। दूसरा है प्रॉमिस 2B, सेक्शन 2 सब क्लास बी में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है। पहला देखिए, व्हेन द पर्सन, यानी कोई व्यक्ति, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी कोई व्यक्ति, जैसे हमने तो अपना प्रपोजल दे दिया, अब दूसरा काम किसका शुरू होता है, कौस्तुभ जी का शुरू होता है कि अब वो क्या करेंगे। व्हेन द पर्सन टू हुम, यानी जो भी व्यक्ति, जिसको भी वो प्रपोजल दिया गया है, यानी कौस्तुभ जी को जो प्रपोजल दिया गया है,
वो क्या करेगा, हिज एसेंट, यानी क्या करेगा, अपनी सहमति देगा या नहीं देगा, दोनों कर सकता है, बाउंड नहीं है कि सहमति देगा ही देगा, या तो वो अपनी सहमति दे देगा या रिजेक्ट कर देगा कि नहीं सर हम आपके प्रपोजल से सहमत नहीं है, वो ट्रैक्टर का दाम जो है 25,000 नहीं, मैं 50,000 की आशा करता हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो एक्सेप्ट करने योग्य है कि नहीं है, वो अलग का विषय है। लेकिन अब ये बाउंडेशन प्रॉमिस का जो कंडीशन आता है वो अनदर पर्सन पे आता है, टू हुम, पर्सन टू हुम, यानी जिसको हमने प्रपोजल दिया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट। दूसरी लाइन उसमें बताती है, व्हेन द पर्सन हुम प्रपोजल इज मेड, यानी जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया जाता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट, यानी अगर वो अपनी इच्छा, अपनी सहमति क्या करता है, जाहिर कर देता है कि परिपेक्ष में, यानी मुझे उस ट्रैक्टर के परिपेक्ष में अगर वो मुझे सहमति जाहिर कर देता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट दे देता है, देन प्रपोजल साइड टू बी एक्सेप्टेड, यानी हमने एक प्रपोजल दिया और वो अपनी सहमति के द्वारा हमारे टर्म और कंडीशन पर सहमत होते हुए उन्होंने हमें क्या किया, सहमति दे दिया कि मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, सर आपने जो 25,000 देने के लिए कहा है मैं उसी 25,000 में ट्रैक्टर बेच दूंगा, यानी हिज असेंट देयर टू, यानी मुझको दिए, ठीक है। तो वो क्या बन गया, सेट टू बी ए एक्सेप्टेंस, यानी उस चीज को हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक। और ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, यानी हमने पहले बताया कि अगर कोई भी प्रपोजल जिसके सामने हम बनाते हैं, अगर वो व्यक्ति जिसको हम प्रपोजल करते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, ठीक। यानी पहला टू ए कहता है कि प्रपोजल बनाओ, दूसरा कहता है कि उसको एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्टेंस मिल गया तो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। दो सेक्शन आपके क्लियर हो गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी प्रपोजल का पूछेगा तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, अरे वो तो शुरू में ही है, प्रपोजल तो पहले बनाना पड़ेगा तभी तो एक्सेप्टेंस और वो सारी चीजें आएंगी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो उसके लिए प्रपोजल हो गया, प्रॉमिस हो गया। तीसरी चीज होती है टू सी में व्याख्या किया गया है कि प्रपोजर कौन होता है और प्रपोजी कौन होता है, यानी हमने प्रपोजर और प्रपोजल तो देख लिया, प्रपोजर कौन होता है और प्रमिशी कौन होते हैं, ठीक है। प्रमिशी हो गया, दोनों के एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रमिशन में हो गया, तो उसमें प्रमिशर किसको आ जाएगा, प्रमिशी किसको आ जाएगा, हमने प्रपोजल रखा है, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, प्रपोजर हो जाएंगे, प्रोमिसर हो जाएंगे, हमने प्रोमिसर हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोमिसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रोमिसी के रूप में जाना जाएगा। इसमें देख ले, पर्सन मेकिंग ए प्रपोजल, यानी हमने प्रपोजल बनाया, हमने प्रपोजल दिया, कहता है टू सेक्शन टू सी कहता है व्हेन ए पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, यानी हम प्रोमिसर हो गए और कौस्तुभ जी क्या हो गए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है वो प्रोमिसी हो गए, यानी ये दो शब्दों की व्याख्या जो है सेक्शन 2C में दी गई है। अगला हम देखेंगे कि सेक्शन 2D जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, इसकी इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे के भी चैप्टर में कंसीडरेशन जो है, बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट संभव ही नहीं हो सकता है, वो वाइड हो जाएगा, कुछ न कुछ समथिंग सम वैल्यूएबल, एक ही रुपया का कोई कंसीडरेशन हो या वो होना चाहिए, ठीक है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सेक्शन 2D में कहा गया है कि कंसीडरेशन, इसका हिंदी शब्द अगर कोई हिंदी मीडियम में होगा तो उसका हिंदी शब्द देखते जाइएगा, ठीक है, बेयर एक्ट लेके आप लोग बैठे ही होंगे, उसको देख लीजिए आप हिसाब से, ठीक। कंसीडरेशन प्रतिफल जिसको कहते हैं हिंदी में, अब कंसीडरेशन के बारे में क्या करता है, व्हेन
क्या कहता है वैन, उसी तरह एरो बना जाइएगा। ये थोड़ा टफ है, ये जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है बहुत टिपिकल है, थोड़ा सा इसको आप एरो बना के अगर सॉल्व करेंगे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए एक बार, पुनः देख लीजिए, इसी तरह एरो बना के बनाना है। ठीक है, ये कंसिडरेशन, कंसिडर व्हाट इज कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या हुआ, व्हेन एट द डिजायर ऑफ दी प्रोमिसर, यानी जो प्रोमिसर, प्रोमिसर मतलब प्रपोजल, प्रपोजर, प्रोमिसर मतलब कौन हो गया, यहां शब्द चेंज हो गया। ठीक है, यानी प्रोमिस के बाद अब किसकी आवश्यकता होगी, यानी प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोमिस में कन्वर्ट हो गया, तो अब प्रोमिसर यानी मैं। ठीक है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर यानी हमारी इच्छा पर, हमारी इच्छा पर, हमारे विल पर, क्या करता है प्रोमिसी यानी कौस्तुभ जी, क्या करते हैं प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है इसमें एक कंसेप्ट आता है थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। क्या कोई तीसरा व्यक्ति कोई कंसिडरेशन रख सकता है, दे सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैलिड माना जाएगा कि नहीं जाना माना जाएगा, इसके लिए आप आगे पढ़ेंगे, उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी कंसिडरेशन देखेंगे, तो उन सब चीजों में आप पढ़े भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो ये चीजें आई होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रोमिसी है यानी हम प्रोमिसर हो गए, प्रपोजर हो गए और कौस्तुभ जी प्रोमिसी हो गए, इनके अलावा भी अगर मान लीजिए कि सुरेंद्र जी कहते हैं नहीं मैं वो ट्रैक्टर का कंसिडरेशन लूंगा, कोई भी व्यक्ति थर्ड पर्सन वो कह देते हैं नहीं फलाने को दे दीजिए हमको नहीं चाहिए, हम प्रॉमिस किससे किए, कौस्तुभ जी से किए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं तीसरा व्यक्ति भी, हमने कहा कि नहीं कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर कंसिडरेशन देता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कौस्तुभ जी स्वीकार कर लिए चले, तो हमने कहा कि भाई सुरेंद्र जी आप जो है 25,000 उनको रुपया दे दीजिएगा, हम ट्रैक्टर ले लेते हैं। यानी क्या कह रहा है कि प्रोमिसी आर एनी अदर पर्सन, क्या करता है कंसिडरेशन, वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर यानी हमारी इच्छा पर द प्रोमिसी आर एनी अदर पर्सन हैज डन। देखिएगा इसमें तीन चीजें हैं बहुत ध्यान देने योग्य हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, इसको अलग कर लीजिएगा अपने पैरा में। ठीक है, एक एरो बना के हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट कंसिडरेशन की बात करता है, ध्यान रखिएगा हैज डन मतलब पास्ट कंसिडरेशन, ये कहता है कि नहीं मैं भविष्य में इनको इतना पैसा दे दिया था, ठीक है मेरा कंसिडरेशन हो गया था, मैंने इनसे एग्रीमेंट भविष्य में कर लिया था, यानी पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। दूसरा कहता है इसमें अलग काम के बाद दूसरा पार्ट आता है डज, डज और अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, यानी ये क्या है, ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, पहला है पास्ट कंसिडरेशन, दूसरा कहता है डज आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन की बात करता है। ठीक है, तीसरा कहता है इसमें तीसरा पार्ट कहता है कि प्रोमिसेस टू डू यानी क्या किए, प्रोमिसेस टू डू आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है यानी ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की बात करता है कि भविष्य में ये चीजें हो सकती है या आज ही इन सब चीजों का निस्तारण कर दीजिए, प्रोमिसेस टू डू यानी आज ही वादा करो कि हम आपको दे देंगे, या आई विल रिपीट आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग मे बी कंप्लीटेड, ओके प्रोमिसेस टू डू। तीसरा पार्ट कहता है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन में कहता है कि प्रोमिसेस टू डू आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है तीन चीजों में, पहला हो गया, पहला पार्ट कहता है प्रोमिस हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, पहला पार्ट क्या बनता है कंसिडरेशन का यानी पास्ट कंसिडरेशन भी
वह कॉन्ट्रैक्ट में मान्य रखता है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा कहता है, दूसरा फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें कंसीडरेशन का, डज आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी ये क्या कहता है, एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन, यानी ये भविष्य में कंसीडरेशन क्या करता है, एग्जीक्यूट करने की बात करता है कि मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और तीसरा जो पार्ट है वो कहता है प्रोमिसेस टू डू, यानी प्रोमिसेस टू डू आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन की बात करता है। अब जैसे पास्ट कंसीडरेशन तो आपको एक मिनट हम बता दे रहे हैं, जैसे हमने एक इच्छा जाहिर की, ठीक है, डिजायर, अगर हमने इच्छा जाहिर की एक एक आज कौन सी तारीख है, आज मान लीजिए कि 26 है, हमने 26 को एक इच्छा जाहिर की कि मैं एक कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, उसके परिपेक्ष में मैं एक कंसीडरेशन रखता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ कार्य किया और वो कार्य क्या हो गया, प्रॉमिस, यानी हम कौस्तुभ जी को प्रॉमिस किए कि आज 26 तारीख है, आज जो है ट्रैक्टर का मैं पैसा न देकर आपको इस तारीख को पैसा दे दूंगा, एक आज न देके 7 दिन बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। ये क्या हो जाएगा, ये मतलब आज की बात नहीं, ये पहले की, मतलब मान लीजिए 5 तारीख को, 5 मई में हमने एक कॉन्टेक्ट किया कौस्तुभ जी से, आदित्य जी से, कि हम आपका ट्रैक्टर 25,000 में खरीद रहे हैं, और 5 मई को हमने कॉन्टेक्ट किया था और ये पैसा दे दिया, कंसीडरेशन दे दिया, ठीक है, और वो चीजें किस दिन एग्जीक्यूट हुई, 7 तारीख को, यानी 2 दिन बाद हुई, और आज कौन सी तारीख है, 26 है, यानी वो कंसीडरेशन क्या हो गया, हमने पहले ही दे दिया है, यानी वो पास्ट हो गया, बीत चुका है, हमने जो कंसीडरेशन दिया है वो बीत चुका है, उसका एग्जीक्यूशन हम कभी भी करा सकते हैं। दूसरा, एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए, डिजायर, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपको इतना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस सामान के लिए इतना पैसा दूंगा या करूंगा, वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि 5 तारीख को कहता है और कहता है कि नहीं मैं 7 तारीख को आपको पैसा दे दूंगा, आप हमारे बात पर विश्वास रखिए, तो उसमें कहता है तो ठीक है, 2-4 दिन की बात है, अपना कंसीडर करके, वो कंसीडरेशन एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है कि चलो ठीक है, भविष्य में अगर इन्होंने प्रॉमिस किया है तो दे ही देंगे, ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में कि तत्काल एग्जीक्यूटिव कंसीडरेशन में कहता नहीं तत्काल, आज जैसे हम प्रॉमिस, आज ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आज ही हमको कंसीडरेशन दे दीजिए, जैसे हमने कहा कि आज हमें ट्रैक्टर खरीदना है तो हम, वो कहे नहीं तो ऐसा करिए सर कि आप 25,000 रुपया लेते हैं, ये आज ही दे दीजिए, आज ही हम आपको कर देते हैं, तो यानी उसी दिन अगर हम कंसीडरेशन दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन के रूप में माना जाता है। यानी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में पहला पार्ट जो हैज डन आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जो है पास्ट कंसीडरेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, डज आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग जो है एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, और तीसरा है प्रॉमिस टू डू आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग जो है एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। किसके लिए, अब आगे देखिएगा, एक शब्द यूज किया है, ये सारी चीजें कर लिया, उसके बाद समथिंग यानी कोई भी कंसीडरेशन काल्पनिक नहीं हो सकता, कंसीडरेशन काल्पनिक नहीं हो सकता, इसमें समथिंग वर्ड का यूज किया है, यानी सम वैल्यूएबल, एक ही रुपया होगा लेकिन उसमें कंसीडरेशन होना आवश्यक है, अगर 1 रुपया का भी कंसीडरेशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, इसलिए कंसीडरेशन चाहे वो 1 रुपया ही हो, वैल्यूएबल होना चाहिए, उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाएगा, अन्यथा वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तीसरा, आगे जब हम देखेंगे कि अगर इस तरह के कार्य, सच एक्ट आर अब्सटेन आर प्रॉमिसेस, अरे यानी इस तरह के कार्य या अब्सटेन या प्रॉमिस कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन के रूप में माना जाता है, ये इट इज ए डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, ठीक है।
देन आई विल एनी कंफ्यूजन एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं, आप लोग कंसीडरेशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसको एरो वाइज बना लीजिए। सेक्शन 2D कंसीडरेशन लिख लीजिए, आगे उसका पहला ऊपर एरो खींच के करिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक लाइन हो गया, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। दूसरा द प्रोमिसी आर एनी अदर पर्सन, यानी या तो प्रोमिसी हो या कोई और पर्सन हो, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है, वो तो व्यक्तियों के संबंध में बताता है। अब तीसरे पार्ट में जब आएंगे तो ये बताता है कि किस किस स्टेज में हो सकता है। तीसरा पार्ट कहता हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, यानी ये किस कंसिडरेशन की बात करता है, पास्ट कंसिडरेशन की बात करता है, पास्ट कंसिडरेशन की बात करता हैज डन आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग फॉर द पास्ट कंसिडरेशन। देन आफ्टर दूसरा जो कहता है डज आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, यानी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन की बात करता है, एग्जीक्यूटेड कंसिडर डज आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन की बात करता है। तीसरा जो है प्रोमिसेस टू डू आर अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की बात करता है, यानी इसका मतलब है तुरंत पैसा लाइए, तुरंत आप एग्जीक्यूट करा लीजिए, हमें कंसिडरेशन आज ही दे दीजिए, आज ही प्रॉमिस हो आज ही कंसिडरेशन दे दीजिए, आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर लीजिए। ये है तीसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और किस कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए, यानी सम वैल्यू होनी चाहिए उस कंसिडरेशन की, कुछ प्राइस होना चाहिए। अगर वो कंसिडरेशन प्राइसलेस है या काल्पनिक है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा, उसको वाइड घोषित किया जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देन सच एक्ट आर प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आगे हम आते हैं, इसमें एक सेक्शन और है कि 2E, आगे और हैं, इसको पार्ट वाइज क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहेगा हमारा, समझ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, जब तक इसको अच्छे से तोड़ के पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको लाग पड़ते रहिए, एक बार अगर उब जाएंगे तो फिर दिमाग में नहीं बैठेगा, तो इसको तोड़ के पढ़ने का प्रयास करिए। दूसरा अगला है 2E, 2E में क्या किसकी डेफिनेशन दी गई है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि कब एग्रीमेंट होगा, कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस कब एग्रीमेंट में परिवर्तित होगा, उसके लिए है। पहला है एग्रीमेंट, वाज इट एग्रीमेंट मतलब होता है एवरी प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस कब बना, एवरी एग्रीमेंट में क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस आर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, यानी एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, कोई प्रॉमिस चाहिए या बंच प्रॉमिसों का बंच चाहिए, ठीक है। एक भी प्रॉमिस हो सकता है और कई भी प्रॉमिस बंच भी हो सकते हैं, किसके लिए, एग्रीमेंट के लिए। और ये प्रॉमिस कहाँ से आया है, हमने खोज रखा था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, प्रॉमिस में, यानी प्रॉमिस के बाद का कार्यक्रम एग्रीमेंट में आवश्यक होता है। यानी हम दो स्टेप ऑलरेडी अपना पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं, यानी प्रपोजल लग चुके हैं, एक्सेप्टेंस हो गया है, वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया है, तब यहाँ पे एग्रीमेंट में आ रहा है। यानी एवरी प्रॉमिस कोई भी प्रॉमिस आर बंच ऑफ प्रॉमिसेस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस, क्या करता है, फ्रेमिंग कंसिडरेशन, यानी कोई भी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस क्या करता है, कंसिडरेशन फॉर्म करता है, यानी कंसिडरेशन फॉर्म करता है। देन किसके लिए, वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं है कि हम ट्रैक्टर के लिए कर रहे हैं तो ऐसा है हमको तो कोई पैसा नहीं दिया, 25,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, प्रॉमिस हो गया था, अब प्रॉमिस के बाद हमको 25,000 नहीं दिए, हम कहे तो हम ट्रैक्टर था, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रॉमिस किया, प्रॉमिस जो होगा ईच अदर होगा, कंसीडरेशन क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए भी कंसीडरेशन होना चाहिए और उनके लिए भी कंसीडरेशन होना चाहिए। कौस्तुभ जी के लिए कंसीडरेशन है 25,000 रुपया और हमारे लिए क्या कंसीडरेशन है, ट्रैक्टर, यानी
आगे कहता है फॉर ईच अदर फ्रेमिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी को ये जो कंसिडरेशन है ये ईच अदर प्रत्येक के लिए होना आवश्यक है। इस अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन पाया जाता है इस प्रॉमिस में तो इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, और यही एग्रीमेंट आगे चल के अगर लाफुल है तो एनफोर्सिएबल है, ला के अकॉर्डिंग एनफोर्सिएबल है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यही है कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कोई भी प्रॉमिस, कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस, अगर उसमें कंसिडरेशन फ्रेम होता है, और कंसिडरेशन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो व्यक्ति चाहिए, और दोनों के लिए कंसिडरेशन है, यानी हमारे लिए ट्रैक्टर कंसिडरेशन है और 25,000 रुपया कौस्तुभ जी के लिए कंसिडरेशन है, दोनों के लिए अगर कंसिडरेशन फ्रेम हो रहा है तब ईच अदर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर जब होगा तब जाके वो एग्रीमेंट का रूप होगा, और इसी को एग्रीमेंट कहते हैं जो सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। आगे का सेक्शन जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मैसेज करते हैं कि कोई सेक्शन अगर दिक्कत हो तो बताएं। एनी क्वेरीज आर प्रॉब्लम, कौस्तुभ जी, एनीबॉडी लिसन मी, आप लोग रिप्लाई दें। एनीबॉडी लिसन मी, काइंडली राइट एस। ओके, जो भी है अब कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, कोई भी अगर समस्या होगी तो पहले से हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो सेक्शन है आगे के सेक्शन 2A में हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके।